अभी जा रहे हैं हम स्कूल से घर। कैसा लग रहा है वडू में? देख तेरे होगी भड़क, वो नहीं है भड़क हो रही है। तो मैम ने मुझे बताया कि चीकू भी रो रहा था। तो ये लड़का पता नहीं मुझे खींच के कहाँ पे लेके जाना चाहता है। मैंने हाथ रखा हुआ था। नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। हेलो गाइस, तो मेरे साथ है आज एक फॉरनर, ये है अंग्रेज ना, अंग्रेज। तो आज है मेरे साथ अंग्रेज। तो अंग्रेज, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा अंग्रेज। अभी जा रहे हैं हम स्कूल से घर, घर जाके खाना खा के जाएंगे ट्यूशन। अभी कंप्लेंट है बच्चे की। क्या? स्कूल से। क्या बता दूं? क्या बताओ? हैंडराइटिंग कह रही है वो तो शुरू से ही। पूरी हैंडराइटिंग वो तो शुरू से हमारे खानदान की है, उसकी गलती नहीं। तेरे पे गई लग रहा है। मेरे पे? मेरी तो मोतियों जैसी राइटिंग थी। हाँ बेटा, मेरी मैम कहती थी। मेरे को पता क्या कहता फिर बाद में, चच्चू मैडम ना आपके साथ प्रैंक कर रही थी, मैंने मैडम को कहा था कि चच्चू है ना ऐसे ऐसे बोल देना। राइटिंग के लिए बोला मैम ने। मैं होती ना मैं क्या करती, नमकीन की भुजिया ही तो है ऐसे पकड़ती, आया कटोरा मुँह में भर लेती। लड़के ने ना बिल्कुल भी जिद नहीं की ट्यूशन जाने के लिए, प्यार से ट्यूशन जा रहा अच्छा बच्चा बनके। शाम को आपको बढ़िया से घुमा के लाता हूँ, ठीक है? बोल चलो शाम को। ओ मैं तो भूल ही गया, हमें इंग्लिश में बात करनी थी। और छोड़ चाहिए तुमको, तुमको रैप था चाहिए, रैप था बेटा। जाओ जल्दी जाओ, दो मिनट नहीं, जल्दी जाओ भैया। चीकू को ले आओ ट्यूशन से, कल भी वो मॉल जा रहे हैं भाभी हम सीधा। कल भी बेचारा पूरा दिन वहीं बैठा रहा, तुम तो बाहर थे। अभी उसको लेके मॉल जा रहा हूँ। मॉल जाओ, कुछ टॉय वॉय की दुकान पे मत ले जाना, कभी वो वहाँ पे भी रच जाए। वो तो फिर मैं फोन कर दूंगा। फोन करने का कोई मतलब नहीं होता, इनको तंग मत करना। इनकी तबीयत सही नहीं है भैया आज, इनकी भड़क हो रही है पैरों में। पैरों में देख तेरे होगी भड़क, वो नहीं है भड़क हो रही है पैरों में। ट्रैवल लेके दिल्ली, पैरों में कमजोरी आ रही है। गाड़ी चोरी हुई या लैपटॉप चोरी हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है ये बंदे के, तो वो दिमाग पे नहीं आ रहा, पैरों में आ रहा है इनके ना। हाँ भाई, क्या कंप्लेंट है? कंप्लेंट है चप्पलों से? उसने इसके चप्पल मारी है, वो भी सारी ट्यूशन डिस्टर्ब होती है, लड़ पड़े हैं। हाँ भाई दिख रहा मुझे, शक्ल से दिख रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधा मॉल, घर नहीं जाएंगे, ठीक है? क्या क्या बात, क्या थी बात? तो बेटा घर जाके बताऊंगा, ये बात अभी खत्म कर दो, लड़ाई की बात अभी खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बात मैं घर जाके शुरू करूंगा। सुनो। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बोला तू चल, अच्छा। तो मैम ने मुझे बताया कि चीकू भी रो रहा था। हैं? अपनी नहीं बताओगे? अपनी भी बताओ ना, आप भी रोए हो। देख लो गाइस इसको, ये रो शुरू हो जाता है। छोटा टॉय होता कौन सा है बेटा? ये एक्टिंग सबको पता आपकी? गाइस कमेंट करके बताना किस किस को चीकू की इस एक्टिंग के बारे में बताए। चच्चू चाचू प्लीज खत्म करो ये सब। तो बच्चा नाराज होके बैठ चुका है, मॉल में झूले दिला दूंगा। तो पता नहीं रेड लाइट को हमसे क्या दिक्कत है। चीको, ओ चीकू देख फिर से रेड लाइट। बेटा क्या करें यार, सो रहे हो क्या? ठीक है सो जाओ थोड़ी देर है। तो जब भी चीकू और मैं घूमने निकलते हैं ना, हमें रेड लाइट्स का सामना करना ही पड़ता है हमेशा। तो गाइस एक और रेड लाइट देख सकते हो। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मॉल में और लड़का हमारा सो रहा है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मॉल में और लड़का भी उठ चुका है। तो हमने गाड़ी लगाई है यहाँ पे N14। इस बार देखते हैं चीकू को याद रहता है नहीं कि हमने गाड़ी कहाँ लगाई है। क्या क्या करना आपको यहाँ पे आज? सारे। तो ये पहला झूला है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, ये पहला है, एक झूला हो गया, ठीक है? ये भी तो झूला ही है एक तरह से। चीकू एक बढ़िया चीज दिखाऊं? देखो टैंक ले ले ऐसा, शकल देखो इसकी, एक घर पे ले आए ऐसा। कल बात करता हूँ मंत्री जी से, ठीक है? कल ले आते हैं ये वाला सेम टैंक ले आते हैं। तो मॉल में हमें मिल चुके हैं चीकू के सब्सक्राइबर्स। तो गाइस ये चीकू का दूसरा झूला आप देख सकते हो। चीकू तो बेटा दो झूले हो गए, ठीक है? से हेलो चीकू, हेलो करो भाई को। तो ये लड़का पता नहीं मुझे खींच के कहाँ पे लेके जाना चाहता है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा नहीं। उसके साथ जाने का ना कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी ना आप चीज उठा के ले आता है कि मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। मुझे ना लिस्ट दे दो, आपको क्या क्या लेना है पहले बता दो। बस तीन बोतल। तीन क्या? तीन बोतल। क्यों तीन बोतल का क्या करोगे? एक बार स्कूल को लेके जाऊंगा, एक बार। अच्छा अच्छा रुक तो जाओ, फिर पता है मुझे यहाँ जाना है। एक ही बोतल बोला है मम्मा ने कि एक बोतल ले दो इसको, इसकी बोतल टूट गई स्कूल की। है कहाँ पे बोतल? कुछ और मत उठा लेना बेटा, मुझे तो डर ही लग रहा है, पता नहीं क्या क्या उठाएगा यहाँ से। बोतल तो है नहीं यहाँ, मजे आ गए, ये तो बोतल ही नहीं है। तो जो चीकू को चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, चीकू कहीं और से ले लेते हैं। चलो फिर कॉपी
कोई बात नहीं, ये घर में, ये घर के ये फिर कुछ अच्छा ले लो ना, काम आए जो, ये नहीं है काम आएगा, रुक जाओ मैं दिलाता हूँ कुछ अच्छा। तो जो चाहिए था वो चीकू को मिल गया, ये इसकी टूट गई थी, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है। ये चाहिए ना? ये खुश नहीं है लेकिन। खुश तो है, आप खुश हो ना ये लेके? खुश, खुश वाली दे दो भैया कोई आए तो, खुश वाली तो नहीं है, सारी सेम है बेटा। लो बेटा खुश हो अब? अब और कोई डिमांड नहीं है ना? कौन सी डिमांड है अब? है? मैं जा रहा हूँ, मैं मॉल से अकेला घर जा रहा हूँ चीकू को छोड़ के, मैं जा रहा हूँ भाई भाई, अपना कोई वास्ता नहीं है। तो अभी फिलहाल हो गया हमारा घर जाने का टाइम, कुछ खाना है बेटा? है? समोसा खिलाऊं? एक यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त समोसा मिलता है, कुछ भी नहीं खाना, चलो फिर घर चलते हैं। तो अभी घर जाने का टाइम आ गया और चीकू से मैं पूछूंगा, चीकू गाड़ी कहाँ है बेटा, कौन से पिलर पे है? 2-1 देख लो गाइस, अगर मैं इसके भरोसे छोड़ देता ना गाड़ी तो ये तो मुझे फंसवा देता। ये लास्ट झूला है चीकू, ठीक है, ये भी एक झूला है आपका। तो फाइनली हमारी गाड़ी मिल चुकी है, बहुत देर से ढूंढ रहे थे हमें, पिलर तो याद था लेकिन ना फिर भी मिल नहीं रहा था। चलो बेटा जल्दी बैठो, घर वापस जाते हो, इतना ट्रैफिक है, मतलब हमें जाने जाने में ना एक घंटा लगेगा आराम से। चच्चू सो जाओ ना फिर से, हाँ सो जाओ आराम से। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ये भाग के आया, इसने मुझे भगाया और हवा चल रही है बहुत ज्यादा तेज, उधर हो जाओ इधर ठंड नहीं लगेगी। भाभी सेम ढूंढ के लाया बोतल, देखो वो ब्राउन था इसका, ये व्हाइट मिल गई इसको। तीन ले रहा था ये तो, फोन आया तीन करा, तीन बोतल लूंगा। तीन ले रहा था? हाँ करा, एक ट्यूशन की, एक घर की, एक स्कूल की। अच्छा एक ट्यूशन की, एक इसके पापा को पता चलता है ना, तीन अलग अलग बोतल गुस्सा होती है। और सेम, वो भी सेम बोतल, सेम नहीं अलग अलग वैरायटी, वैरायटी भाभी। अच्छा मुझे लगा अलग अलग वैरायटी, वैरायटी। और कुछ नहीं आपने लिया? अभी नहीं, महंगी बोतल लाया बच्चा, 8,000 की है। चुप रहो, 800 रुपए की है। पहले मैंने ना ये समझ लिया 800 करोड़, 800 लाख, उनमें वो लास्ट। हाँ पीटा में मम्मा समझ गई, बिल दी है अपने पैसे से लाया, आपके पैसे से? अपने पैसे से। पायल देख 800 की भी नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करवा दो राइटिंग की, मैडम ने बोला, कह रही अभी वो फर्स्ट क्लास में होने वाला है। एक और कंप्लेंट ले गया मैं बच्चे की। क्या? ट्यूशन पे लड़ाई करके आज बताऊं क्या हुआ, डैडी चच्चू को मारा था जो हम। ये स्टार्टिंग ही गलत है, स्टार्टिंग ही गलत है भाभी, नहीं तो मैम मुझे बता देते। मैं बताता हूँ क्या बात हुई थी, लड़ाई होगी ट्यूशन में, डैडी चच्चू को मारा था एक बच्चा था, पढ़ाई करना आया था, बोल रहा था आज छुट्टी चाहिए मुझे, उसका चैप्टर दिखा दो, तो बोल रहा था, पीछे उदास होकर चला गया, फिर डैडी चच्चू को मारने लग गया, फिर मैं बाहर गया, बोला आजा आजा आजा, मैंने पेट में एक घूसा मारा ना, रोने लग गया, एक घूसे में रोने लग गया। पूरी बात मैं बताता हूँ आगे, तो तेरे चच्चू को मारा था वो। हाँ आगे की बात मैं बताता हूँ भाभी, इसलिए आप आगे। तेरे चच्चू ने मुझे थप्पड़ मारा यहाँ पे और उसने मुझे चप्पल मारिया से, तो फिर क्या हुआ, फिर दोनों बच्चे लड़ रहे थे चप्पलों से, मैडम ने जो मुझे बताया दोनों बच्चे लड़ रहे चप्पलों से, दोनों रो के आए हैं। 9 बजे कह रहे पिज्जा बना दो घर पे, पिज्जा का बेस तो है नहीं, कुछ भी नहीं है भाभी, कितना गंदा कॉम्बिनेशन, चीज वगैरह पड़े कुछ भी नहीं है बेटा, इधर आओ बस, सब्जियां पड़ी है। पायल खिलाओ, खिलाओ खिलाओ, खा रहा है भाभी, खा रहा है भाभी, खा रहा है। क्या खाना है? बाजार जा रहा हूँ, नूडल्स, रसगुल्ले और कुछ, मोमोस, मोमोस। भाभी अभी खाना खा रहे थे, कुछ खा ले गए? ऐसे टेस्ट करेगा, टेस्ट मतलब उसको बोल दूं कि अंकल टेस्ट के लिए दे दो बस, अगर अच्छे लगे तो हम ले जाएंगे आपसे। हाँ एक काम करो, 250 ग्राम, 250 ग्राम मोमोस, 250 ग्राम नूडल्स, 250 ग्राम रसगुल्ले। भाभी आप बताओ क्या क्या लाके देना इसको? नहीं खा रहा, कुछ नहीं खाना, डिलीट कर दी। क्या हो गया भाभी, वहाँ से आप वहाँ से आगे वहाँ गए भैया? एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को ना समझ नहीं आया, अब जो मेरे साथ हादसा हुआ था ना उसके बारे में मैं अनजान थी, बम ब्लास्ट हुआ एक्चुअली, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं छेड़ रही थी, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, अचानक से कुछ हुआ, बम ब्लास्ट हो गया। अब ये कह रहे मुझे मोमोज खाने, नूडल्स खाने और रसगुल्ले खाने, ये फाइल बताएगी आगे। भाभी क्या कहना चाहते हो आप? बेटा पेट तो आपका मना कर रहा है, कह रहे नहीं जगह नहीं है पेट में, हवाएं निकल रही है पेट से, है प्रदूषित कर रहे हो आप वातावरण। क्या लाके आप बताओ, भाई लेके आऊंगा फिर मैं। नहीं भैया इतनी हवा के साथ थोड़ी खा सकता है, रसगुल्ले ला देता हूँ, चलो वो तो नेचुरल वो है, नेचुरल नेचुरल बोल रहा हूँ, उतना तला वाला नहीं है। हाँ मीठा है, चीकू 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 चीकू।
देखो।